क्या गुजरात में बिजली महंगी है? महंगी है सर, बहुत सारी महंगी है भाई साहब, बहुत सारी, यानी कि बहुत सारी। आम इंसान है, गरीब इंसान है, वो बिजली का बिल कैसे भरता है वो इसका मन जानता है। तो सर भैया, यहाँ पे गरीब इंसान कैसे जिएगा? बिजली के हिसाब से, बिजली के साथ साथ खाने पीने की प्लस गैस पानी की और महंगी छे ना। कितनी मुश्किली पड़ती है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को परिवार चलाने में जब लाइट के बिल आते हैं? लाइट के बिल इसके लिए कि क्या है कि हमारे देश के अंदर है ना बहुत ही मतलब कठिन हो गया, हमारे देश में बहुत ही तकलीफ हो गई है और ये सारी परेशानी हमारे मंत्री जी के हिसाब से और ऐसे बहुत भी है लोग जो ध्यान देते नहीं है गरीबों पे, अत्याचार होता है लोगों पर, गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर बनता जाता है। सर साहब, ये सब ऊपर वाले लोगों को सोचना चाहिए कि इतनी सारी महंगाई हमने कर दी है तो गरीब आदमी किस तरह जी रही है, मध्यम वर्ग वाला इंसान किस तरह जी रही है, उनके घर जाके एक बार देखो क्यों किस तरह वो उनका बच्चों का बीवी का गुजारा कर रहे है। हमारा करे तो 5,000-7,000 एक महीना बिल आवाजे, इतना करता केतरी बाढ़ आ जाए तो सारू के वाय। दिल्ली में बिजली मुफ्त में मिलती है, पंजाब में मिलती है, गुजरात में मिलनी चाहिए, तुम क्या मानते हो? मैं तो यही बोलता हूँ कि भैया हर देश में होना चाहिए ऐसा, जैसा दिल्ली में पंजाब में ऐसा हर एक घर घर में होना चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर हम लोग सारे देश के जितने भी देश के नागरिक है, अगर हमारे पीछे जितने भी अहदेदार मंत्री जी है जो भी है सब कुछ हमारे पीछे ध्यान देवे तो ज़रूर, क्यों नहीं मिलनी चाहिए सर। केजरीवाल आ गए, 300 यूनिट फ्री दे गए, प्लस के जो स्कूल है अच्छी अच्छी बनाए, ये एजुकेशन अच्छा रहेगा, अस्पताल में फ्री मिलेगा, तो क्यों नहीं अपना देश आगे बढ़ेगा? कितना फ़ायदा होगा इससे जनता को? जनता को बहुत सारा फायदा होगा और अपना देश आगे बढ़ेगा। एजुकेशन मिलने के बाद बच्चे कहाँ से कहाँ आगे चले जाएंगे। तो एमा शू करवानू, मोदी साहेब नू राज छे। आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है, 300 यूनिट देने की बात करिए, किस तरह से देख रहे हैं इससे? सर देखिए, ये सब चीज़ों के अंदर मुझे इतनी समझ पड़ती नहीं है, लेकिन मैं तो इतना ही चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोल रहे हैं हम 300 यूनिट गरीब और जो मिडिल क्लास लोगों के उनको देंगे, केजरीवाल जी बोल रहे हैं तो उनका बहुत अच्छा धन्यवाद करता हूँ मैं उनसे, उनकी अच्छा गरीबों के लिए जो भी, चाहे केजरीवाल हो या कोई भी हो मंत्री, गरीबों के लिए करते हो तो मैं धन्यवाद। अपना देश लगता है गुजरात में केजरीवाल आ पाएंगे? अरे केजरीवाल जिंदाबाद साहब, केजरीवाल ही आना चाहिए। नरेंद्र मोदी के दिन चले गए भाई साहब, कब घोटाला ही घोटाला है, रेवड़ी बेचो रेवड़ी खाओ, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि गंदगी में कमल कभी नहीं खिलता है, गंदगी को सिर्फ झाड़ू ही साफ कर सकती है। और यहाँ पे लगता है ऐसा परिवर्तन आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? वधारे बहु वधारे गरीब मध्यम वर्ग ने बहु फायदो थवानो छे। और दिल्ली ने पंजाब में वीजळी मफत मळे छे, गुजरात नी जनता शुं माने छे? अहींया मळवी जोईए, मळवी जोईए लागे छे, अहींया परिवर्तन आवशे, आवी जाय तो बहु सारू। जो तमे आ वीडियो फेसबुक पर जोई रह्या छो तो लाइक अने फॉलो करो, अने YouTube पर जोई रह्या छो तो अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करो। 70.com आजादी समाचारों की।